अक्षरा ने किया अभिमन्यु को हग। जी हाँ, कि सेपरेट होने के बाद अक्षरा ने क्यों अभिमन्यु को हग किया जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल जब से अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे से अलग हुए तब से अभिरा के फैंस तो मायूस रहे हुए ही, लेकिन अक्षरा और अभिनव के भी कुछ फैंस बने जिनके उनकी जोड़ी उनकी बॉन्डिंग काफ़ी पसंद आ रही थी। तो लेकिन इस वक्त सीरियल में ये दिखाया जा रहा था कि अक्षरा और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे अभीर की कस्टडी को लेकर। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई में लगे थे अभीर की कस्टडी को लेकर, लेकिन बीच में फिर अभीर की हालत काफ़ी क्रिटिकल हो गई। जी हाँ, अभीर बिरला हाउस जाते हैं, वहाँ खेल खेल में वो बॉक्स में बंद हो जाते हैं, जिसके बाद अभीर को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। आपको बता दें कि अभीर की हालत काफ़ी क्रिटिकल होती है, जिसके बाद अक्षरा अभिमन्यु को काफ़ी खड़ी खोटी सुनाती है। लेकिन आज के प्रोमो में हमने देखा कि बल्कि एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब अभिमन्यु अभीर की सर्जरी करके वापस आते हैं तब अक्षरा उनसे सवाल जवाब करती ही है, लेकिन अक्षरा उन्हें हक भी कर लेती है। तो अब देखते हैं कि अभीर की हालत कैसी है। अभीर अब खतरे से बाहर है, अब उसकी सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है या उसकी हालत और भी क्रिटिकल है, जो भी होगा वो सीरियल के आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल काफ़ी लंबे समय के बाद अभीर के वजह से ही अक्षरा और अभिमन्यु को एक साथ देखकर अभीरा के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। तो दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे? अक्षरा ने जो अभिमन्यु को हक किया इस पे आपका क्या है रिएक्शन, और आपको क्या लगता है कि अभीरा को एक हो जाना चाहिए? कमेंट में हमें बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तों।